बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं होता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भिंडी बहुत पसंद होता है तो जिन्हें ये भिंडी नहीं पसंद होता है तो आज की ये रेसिपी एक बार अगर उनने ट्राई किया ना तो यकीन मानिए हफ्ते में दो बार इस तरह से बनाकर ज़रूर खाएंगे। तो आज की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है कुरकुरी भिंडी और ये रेसिपी इतनी यमी और यूनिक है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि इस भिंडी से आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस चाट यकीन नहीं हुआ ना भिंडी से चाट जी हाँ कुरकुरी भिंडी और उससे बनने वाली चाट तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं ये यूनिक सी रेसिपी कैसे मैंने बनाई है तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए ताजे ताजे भिंडी मेजरमेंट में हाफ के जी इसे अच्छे से धोकर मैंने पोछ लिया है और इसके बाद हम जब भिंडी सेलेक्ट करें ना तो भिंडी सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है इस तरह से ये ऊपर वाली टिप को नीचे की अगर जब प्रेस करें और अच्छे से ये एकदम टूट जाए एक बार में तो इसका मतलब ये होता है फ्रेश भिंडी और भिंडी काटने के बाद कभी वॉश नहीं करना चाहिए इसलिए धो काटने से पहले अच्छे से वॉश कर ले इसके बाद इसके नीचे का और नीचे और ऊपर के साइड्स को कट करेंगे और इसके बाद इस तरह से एक भिंडी के चार टुकड़े करेंगे तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया अगर बहुत बड़ी और चौड़ी भिंडी है और वो फ्रेश है तो आप उसके एक दो स्लाइसेस और कर लीजिए और बहुत ही पतली सी नाजुक सी है तो चार काफ़ी होगी ये देखिए मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया तो ये वाली जो भिंडी है थोड़ी चौड़ी लग रही है तो मैंने इसकी एक स्लाइस और कट कर लिया ये देखिए तो इस तरह से लंबे लंबे लच्छों में हमें ये सारे भिंडियों को कट करना और करते कट करने के साथ ही इसके जो मोटे मोटे कुछ बीज होते हैं जो नहीं पसंद होता है उसे हम इस इसे काटते के साथ ही निकाल लेंगे चलिए बाकी के भी सारे भिंडी इसी तरह से हम कट कर लेते हैं तो ये देखिए मैंने आप आपको पास से दिखा रही हूँ इस तरह से मैंने कट कर लिया यानी कि एक भिंडी के चार टुकड़े कट कर लिए हैं और सारे भिंडियों को मैं इसी तरह से कट कर लिया ये देखो और काटते के साथ ही ना ये जो इसमें जो बीज है इसे हमें निकालना है क्योंकि इसके लिए हमें इसमें जो बीज होते हैं वो हमें नहीं चाहिए तो हाथ से बहुत ही हल्के हाथ से रब करेंगे बहुत तेज नहीं और इसके साथ ही आपके साथ पास अगर जाली वाला अगर कुछ छन्नी है या इस तरह का झारा है उसमें डाल के बहुत ही हल्के हाथ से एकदम तेज तेज नहीं हल्के हाथ से इस तरह से रब करेंगे तो जो एक्स्ट्रा या मोटी बीज है वो निकल जाएगी और बारीक वाली है तो वो रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से मैंने सारे सीड्स निकाल के मैंने इसे अलग कर दिया है अब हम क्या करेंगे इसके लिए हम एक मसाला तैयार करते तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है हाफ कप के करीब इसी में हम डालेंगे दो बड़े चम्मच चावल का आटा इसके बाद हम एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे इसी के साथ ही एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और एक बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर इसी के साथ एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटा चम्मच हम लेंगे अजवाइन और अजवाइन को इसी तरह से हथेली में इस तरह से क्रश करके डालना चाहिए और इन सब को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सब आपस में मिल जाए कोई भी लम्स ना रहे नमक चाट मसाला सब अच्छे से अब हम क्या करेंगे ना ये जो मिक्सचर है इसको हम तीन से चार चम्मच इस तरह से ऊपर से भिंडियों के ऊपर छिड़केंगे जिससे कि क्या होता है ना जो भिंडी होता है उसमें एक लिस होता है लस होता है लिस्लिसापन होता है तो ये जो सूखा मसाला जो हमने प्रिपेयर किया इस तरह से इसमें लिपट जाएगा ठीक है ये जो लिस्लिसापन जो छोड़ता है ये इसी लिपट में ये सूखा वाला मसाला लिपट जाएगा अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं डाला था तो इसके बाद हम नमक डालेंगे नमक डालने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जैसे ही नमक जाता है थोड़ा ये पानी छोड़ेगा भिंडी तो पानी छोड़ते के साथ ही थोड़ा और इसमें गीलापन आएगा तो उसके बाद हम और एक से दो चम्मच हम और ये सूखा वाला जो मसाला प्रिपेयर्ड वाला है वो भी डाल के इसको लिपटेंगे ठीक है इस तरह से लिपटने के बाद पाँच से दस मिनट बाद हम देखेंगे अच्छे से हो गया है इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे पानी नहीं डालेंगे हल्का स्प्रिंकल करेंगे छिड़काव करेंगे और इसके बाद पूरे सूखे मसाले को इसमें लिपट लेंगे अगर आपको पूरा मसाला लिपट जा रहा है और भिंडी सूखी सूखी लग रही तो और जो हमने मसाले बचा के रखे थे वो हम यहाँ पे एक से दो चम्मच और हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसलिए हमने इकट्ठा वो सूखा मसाला नहीं डाले थोड़े थोड़े करके ही हमें इसे यहाँ पे डालना है तो ये देखो पूरा अच्छे से हमने इस तरह से लिपट लिया है ये पूरा अच्छे से लिपट गया है एक एक करके और बहुत ही हल्के हाथ से इसे हम मिक्स करेंगे अब हम कढ़ाई में तेल को डाल के मीडियम गरम करेंगे बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए हल्के बुलबुले आए इतना ही हमें गरम करना है और एक एक करके हमें इन भिंडियों को हाथ से इस तरह से अलग अलग करके इसे हमें डालना है इसे फ्राई करना डीप फ्राई एकदम कुरकुरी होने तक ये देखिए मैंने हाथ से भी ऐसा लग रहा चिपट गया है तो मैं एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। और डालते समय को ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं कर देंगे तेल में भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे हल्के हल्के जितनी जगह हो उतनी ही करेंगे तभी अच्छे से सिकेगा और इसको अलट पलट के हम अच्छे कुरकुरे होने तक इसे फ्राई कर लेंगे ये देखिए काफ़ी अच्छी कलर चेंज हो गया क्रिस्प हो गया हमारा भिंडी अब हम इसे निकाल लेंगे और सारे भिंडियों के बैचेस को इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको मेरी फ्रे... रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स आप देख तो लेते हैं बट आप लाइक और कमेंट नहीं करते प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा तो ये देखिए ये हमारे भिंडी कितना क्रिस्प है एकदम बनकर ये तैयार हो गया तो सारे बैचेस मैंने इसी तरह से फ्राई करके रख लिया है तो ये हमने फ्राई भिंडी तैयार कर ली इसकी अब हम इस वाले से बनाएंगे चाट और एक हमारी होगी सब्जी तैयार तो चाट के लिए दही अच्छी वाली इसके बाद हम यहाँ पे इमली की मीठी चटनी डाल देंगे इसके ऊपर इसी के साथ हम यहाँ पे जो चाट में डलता है सारी चीज़ें हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे कुछ अनार के दाने भी मैंने डाल दिया है इसमें आप चाहो तो प्याज डाल सकते हैं मिक्सचर डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे बूंदी भी डाल दिया है प्याज डाल दे जो भी चीज़ें आप खाते हो वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं इसी के साथ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया और धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर लिया तो ये देखा हमारा टेस्टी सा भिंडी चाट बनकर तैयार और ये क्रिस्प भिंडी की सब्जी बनकर तैयार हो गई तो इस तरह से दो एक रेसिपी से दो रेसिपी चटपटी तैयार करें एंड एन्जॉय इट